हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद खान, योर एकेडमिक इंग्लिश टीचर। आज लेक्चर नंबर 17 है बच्चों, और एरर्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट लेक्चर मेरा था पोम, उससे लास्ट था हमारा एरर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। लेक्चर नंबर 15 और 14, 13 वगैरह वो था, एरर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। 16 हमारा पोम था, 17 हमारा क्या है, एरर्स फ्रॉम द डिफरेंट कॉलेजेस। तीन चार कॉलेज की मैंने प्रैक्टिस करवाई भी है एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं आपको लेक्चर बताऊंगा कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि इफ के स्ट्रक्चर्स हैं, इफ के कंडीशंस हैं, इफ कंडीशनल है। बच्चों सुना होगा हम आपने, इसकी उर्दू भी आपको आनी चाहिए, जो कहां पे काम आएगा, ट्रांसलेशन में, ठीक है। अब मैं इफ के, हमारे पास 1, 2 और 3 इसके रूल है, तो मैं अभी 1 डिफाइन करता हूं। पहले देखते हैं फार्मूला क्या है इसका, इफ का, इफ 1, ठीक है। मेथड देख ले पहले क्या है, इफ के बाद सब्जेक्ट है और वी फॉर वर्ब, और ये है फर्स्ट पर्सन और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर ये कॉमा लगा दिया हमने, ये इफ क्लॉज है। अगर इफ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर अगर आ जाए इफ का, इफ के बाद, तो हमने वर्ब के एंड में एस और एस लाजमी होना चाहिए। जैसे इफ शी कम या कम्स, कम्स। इफ इट रेन, रेन्स, रेन्स। इफ शी गो या गोस, गोस। If we talk about subject is singular, हमने verb के एंड में एस एस लाजमी लगाना है बच्चों, ठीक है। वर्ब की सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, इफ यू कम, कम्स नहीं होगा, इफ दे कम, कम्स नहीं होगा, इफ दे कम, इफ यू कम, इफ यू कम, इफ शी कम्स, इफ ही कम्स, इफ द खालिद कम्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब के एंड में एस एस। अब आते हैं मेन क्लॉज में, इधर दोबारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल, और फिर वी फॉर वर्ब, और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इफ के वन स्ट्रक्चर है, जैसे आपने उर्दू सुनी होगी मैट्रिक क्लास में, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर आप सच बोलोगे अल्लाह खुश होगा, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखोगे आप इम्प्रूव करोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर यही वाली रूल, इफ वन के दोनों तरफ, दोनों साइड आती है आवाज़ फ्यूचर फॉर्म की, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, अगर आप पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊँगा, अगर वो रोएगा तो मैं हंसूँगा, इस टाइप की उर्दू आती है इफ वन के अंदर दोनों तरफ। लेकिन बनता क्या है, एक प्रेजेंट अगला फ्यूचर में, एक प्रेजेंट अगला फ्यूचर। समटाइम क्या होता है बच्चों, इसको रिवर्स कर, घुमा दो रिवर्स, रिवर्स में क्या होगा हमारे पास, ये देखें रिवर्स में ऐसे होगा, यानी ये वाला हिस्सा स्टॉप कर देंगे, सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस तरफ वाले में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब कैन में क्या होगा, एस और यस लाजमी ऐड होगा, क्लियर है। अब मैं इसकी उर्दू बनाता हूं, देखिएगा, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, देख लें, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसे घुमा दो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर तुम सच बोलोगे। ये अगर शुरू में आ जाए ये फॉर्मूला है, अगर मिड में आ जाए तो फार्मूला ये है। अब मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है।
देखिए, अगर तुम सच बोलोगे ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा क्या बनेगा? इफ यू सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ कॉमा मुकम्मल हो गया इफ क्लॉज। अब यहां विल नहीं आएगा बच्चों, उर्दू में क्या आ रहा है बोलोगे, विल आएगा एरर आपका। इफ यू स्पीक द ट्रूथ देन भी नहीं आएगा, आई विल टीच, ये इसका मेथड है। उर्दू में ट्वाइस फ्यूचर, इंग्लिश में वन प्रेजेंट अगला फ्यूचर। ये अगर अब एक बात सुने, यहां पर फ्यूचर लगा दी यहां प्रेजेंट, तब भी गलत। इफ वन प्रेजेंट में कॉमा के बाद मेन क्लॉज विल से बनेगा। घुमा दो उसको, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू इफ यू स्पीक द ट्रूथ। ये इसका आंसर है, देख रहे हैं? यानी आपके पास ये मेथड है, दो काम कर लेंगे इसे, हम एरर निकालेंगे और इसकी उर्दू जो बनाएंगे तो सेकेंड सी में जो ट्रांजिशन आएंगे, ट्रांजिशन इनमें हर साल इफ फॉर एग्जाम्पल आता है, चाहे इफ वन आएगा, इफ टू, इफ थ्री। अभी इफ वन की बात कर रहा हूं तो जरा गौर से इसको देखिए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अब मैं इसका निकालता हूं एरर्स, एरर दे रहा हूं, ये रॉन्ग दे रहा हूं। इफ इट विल रेन आई विल बाय एन अम्ब्रेला। बताएं बच्चों कहां एरर है? मेथड देखिए, क्या ये इस फॉर्मूले का है, इस फॉर्मूले का है? बताएं, ऑफ कोर्स इफ शुरू में, अब आप यहां देखें वहां देखें, मिला आपका एरर? मिला लाजमी तौर पर, ये एरर मार ये रहा, ये सब आते हैं कॉलेज वगैरह में, पेपर बोर्ड में ऐसे आएंगे, समझ ले गौर से, राइट करो उसको। इफ इट, इफ सब्जेक्ट इट, इट इज सिंगुलर, ठीक है? नो, क्या मिसिंग है? एस कॉमा, कॉपी कर दे, आई विल बाय एन अम्ब्रेला। अब अगर मैं कहूं आपसे, ये तो एरर निकाल दिया मैंने, रॉन्ग राइट कर दिया, इसकी उर्दू क्या बनेगी? ट्राई करें, सोचे दिल में, मैं सोच लिया अपने, अब मैं उर्दू बोल रहा हूं मैच करना, इसकी उर्दू बनेगी, अगर बारिश होगी तो मैं छतरी खरीदूंगा। क्या आपका उर्दू इससे मैच किया? मेरे उर्दू से जो ट्रांसलेट मैंने किया, आपने सोचा था वो मैच कर रहा है तो ऑफकोर्स सही है, अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो जरा गौर करें इसको, मैं क्या बता रहा हूं। उर्दू में यहां भी आवाज फ्यूचर की, यहां भी फ्यूचर की, मेकिंग में इफ वाला प्रेजेंट में, अगला वाला फ्यूचर में, इधर क्लियर? कॉपी करें इसको, ये तमाम चीज मैं चेक करूंगा बच्चों आपके फिजिकल क्लास में, जो जो मैंने काम ग्रामर करवा रहा हूं, आप वीडियो तो देख रहे हैं, इसको साथ साथ फेयर भी कर रहे हैं, ताकि मैं आपको चेक करूंगा सेप्टेम्बर के मंथ में, जैसे स्टार्ट होगी हमारी क्लास फिजिकल, जस्ट आई शो वन, आई सी वन बाय वन एवरी डे, बॉयज गर्ल्स सबको मैं चेक करूंगा कि आपने कितने काम मेरा फॉलो किया, कितने काम आपने कॉपी डाउन किया है, ठीक है? कॉपी करें इसको, कॉपी के बाद मैं एरर दे रहा हूं, जैसे स्क्रीनशॉट ले लें, बनाकर देखें एरर रॉन्ग है, ये देख ले बच्चों रॉन्ग सेंटेंस है, ही डाइज इफ ही डज नॉट टेक मेडिसिन। पहले आप जज करें कि ये जो मैंने सेंटेंस दिया भाई, इसका फॉर्मूला
इफ से बनेगा या इस वाले से बनेगा, देखें क्या इस तरह से, नहीं इसमें एरर इस फॉर्मूले इस तरह निकलेगा। अब देखिए गलती कहां पर है, चेक करें गलती, वहां पर देखें, वहां पर पहले क्या है सब्जेक्ट मेरा, उसके बाद क्या वहां पर है वेल, यहां वेल है नहीं है, तो एरर हमारा कौन सा है, ये एरर है, ये ठीक है, ये देखो प्रेजेंट में, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में ही सिंगुलर है, डज नॉट तो आएगा, जब डज नॉट आएगा तो वर्ब क्या करते हैं एससीएस को हटा देंगे हम, तो फिर आंसर बनाता हूं मैं राइट फॉर्म में, क्या बनेगा बोले बच्चों दिल में, ही विल डाई इफ ही डज नॉट टेक मेडिसन, ये इसका आंसर है, ऐसे बनाया आपने। अब ये जो मैंने आंसर एरर निकाला भाई, अब इसकी उर्दू सोचें आप क्या बनेगी, सोचो उर्दू, ये उर्दू बनाया था ना आपने खुद से, अब आप सोचो उर्दू, मैं इसकी उर्दू बनाऊंगा, अगर इफ योर उर्दू मैच माई उर्दू इट्स मीन दैट यू आर गेटिंग इम्प्रूवमेंट, और अगर नहीं तो यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू सी केयरफुली, ओके सर सी द बोर्ड ट्रांसलेट इन योर ओन सेल्फ, ओके हम सेंगे सुनेगा इसकी उर्दू बनेगी, वो मर जाएगा अगर वो दवाई नहीं लेगा, वो मर जाएगा अगर वो दवाई नहीं लेगा, दवाई नहीं पिएगा, क्या दस जो उर्दू मैच माई उर्दू माई ट्रांजेक्शन, इफ यस थम्स अप, इफ नॉट इम्प्रूव एंड कंसंट्रेट एंड सीक केयरफुली, ठीक है। अब मैं कुछ दे रहा हूँ उर्दू दूंगा, आई कैन गिव सम उर्दू वर्ड्स ओवर हियर, आपने ट्रांसलेट करना है, फिर मैं आंसर बताऊंगा, आपने आंसर मैच करना है, कॉपी पैसे निकालें और ये इसकी स्क्रीन शॉट ले लें इफ यू वॉन्ट इट, ठीक है स्क्रीन शॉट, ताकि इसको आप जूम करके देख सको। ओके डन, इफ वन का ये स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से हमने एरर ये वाला निकाला, इस फार्मूले से ये निकाला और इस फार्मूले से इसमें, और इसकी उर्दू मैंने बनाई आपके सामने और आपने मैच भी किया। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा उर्दू और एरर्स आप सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है मैं मिटा रहा हूँ, सी केयरफुली, ओके हम गोना उर्दू राइट उर्दू, ओके ठीक है, ये बनानी है आपने उर्दू, फटाफट कॉपी करें, बनाए उसको उर्दू, मैं एरर दे रहा हूँ आप सॉल्व करेंगे एरर्स में, रॉन्ग राइट आप करेंगे,
ठीक है बच्चों, कुछ मिनट दे रहा हूँ, कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें इसकी और सॉल्व करें, जस्ट टू मिनट्स। फटाफट करें, दो दी मैंने आपको उर्दू, दोनों साइड आवाज़ आ रही फ्यूचर की, बट बनेगा एक प्रेजेंट से और एक बनेगा फ्यूचर से। मैथड मैंने लिखवा दिए पहले आपको, सी द मैथड केयरफुली एंड ट्रांसलेट दैम। एंड एरर में देख लें बच्चों, एक मैंने इफ शुरुआत से दिया, एक इफ मिडमिड दिया हुआ है, कहाँ पर गलती है आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान है बच्चों, नाउ आई एम कमिंग टू सॉल्व देम ऑल। अब आप जो आपने जो सॉल्व किया हुआ है, आप जरा उससे मैच करेंगे, क्या मेरा आंसर आपके आंसर से मैच करता है, तो वेरी गुड, नहीं तो आपने क्या गलती कर रहे हो, उसको रिकवर करें। बाकी मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप पे दिया हुआ नंबर अपने लिखे, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है, विथ योर नेम एंड सेक्शन के साथ। थैंक यू। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें इसको, इफ ही सच के लिए होता है स्पीक द ट्रूथ, इफ फ्रेज है झूठ के लिए टेल्स अ लाई, इफ ही टेल्स अ लाई आई विल पनिश हिम। क्या आपने ऐसे बनाया? अगर इस तरह बना रहे हो बच्चों तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। इस इफ का सेकंड नंबर बड़ा मुश्किल है, थर्ड और मुश्किल है, तभी से अपने आप को कंबाइन करो, कंप्रेस करो, आगे बढ़ो, दिमाग लगाओ, फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडी, ऑन द लेक्चर द बोथ। सेकंड पे आते हैं, रिवर्स बनेगा, ही विल टीच मी इफ ही हैज टाइम। क्या आपका आंसर वैसे मैच कर गया? इफ यस वंडरफुल, इफ नॉट थोड़ा सा वीडियो दोबारा रिवाइव करें, चेक करें, और किस क्या क्या मैंने बातें बताई हुई और किस तरह बना रहा हूँ वैसे बनेगा। अगर ऐसे बन रहे हैं, इफ के रूल से हम दो काम करेंगे, एरर से निकालेंगे और प्लस सेक्शन सी में क्या आएंगे, लाजमी आते हैं इफ वाले स्ट्रक्चर ट्रांजिशन। तो अभी से आपको मजबूत कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता हमें, अब यहां देखिए एरर कहां पर है, एरर हमारा ये एरर है, मदर इज सिंगुलर, एम में क्या वर्ड में आएगा एस और एस बनेगा हमारा राइट फॉर्म में, इफ मदर गेट्स अप अर्ली शी विल सर्व अस। यहां देख लें, विल एक तरह पे ठीक है, बट गलती क्या हमारे वर्ब की, वर्ब फर्स्ट हम नहीं है, ही विल ओबे मी इफ ही टेक्स माय क्लास। अगर आप कैरियर भी इस तरह बन रहे हैं तो वेल डन, दे और से बनना चाहिए बच्चों। मैंने बड़े अंदाज में, बड़े प्यार से, बड़े आहिस्ते आहिस्ते आपको आगे ले आ रहा हूँ। अगर आप ये दोनों उर्दू सही बना लिया अपने इस तरह से, गुड जॉब। अगर इस तरह एरर निकाला आपने तो ऑफकोर्स मीन दैट कि आपको लेक्चर समझ में आ गई बातें, जरूरी नहीं कि आपको फॉर्म समझ में आ जाए, बट यू नीड टू मेक मोर प्रैक्टिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। यहाँ पर देख ले बच्चों, ऐसा ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 7 था, जो मैं क्या कह रहा हूँ इफ के रूल करवा रहा हूँ मैं। आज के लेक्चर में हमने बात किया कि इफ के कंडीशन 1 के बारे में, इफ क्लॉज के बारे में, इफ क्लॉज बनता है सिंपल प्रेजेंट में, अगला बनेगा सिंपल फ्यूचर में, ठीक है, घुमा देंगे तो पहले क्या बनेगा सिंपल फ्यूचर, इफ मिड में देन सिंपल प्रेजेंट में, इफ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैन में एस और यस लाजमी है, और उस तरफ फ्यूचर विल फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल मैंने दिए, मैं
एरर भी दिए हुए हैं, सब कुछ मैंने बोर्ड पर बता दिया है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, ग्रुप पे व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन जस्ट डिस्कस विद मी एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा इफ टू होगा। इफ वन आज हमने करवा दिया है, देख ले गौर से, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, जूम करके देख लें मैंने क्या क्या बातें बताई हुई। अभी हम चला रहे हैं एरर्स के। आज हमने क्लास इफ को वन को डिफाइन किया है, कमिंग लेक्चर में इफ टू है, तफसील से बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं चाहता तो आपको आज ही पूरा ट्रिप का, लेकिन मेरा काम ये नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज तक के लिए याद दें, खुदा हाफिज़।